हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू सिंपल रसोई एंड व्यास क्रिएशन। सिंपल रसोई और व्यास क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, मैं अभी आपको पालमपुर के अंदर एक और प्लेस है जो मैं आपके सामने एक्सप्लोर करने वाला हूं। काफ़ी फेमस प्लेस है दोस्तों। जो भी विजिटर्स पालमपुर के लिए या कांगड़ा से होते हुए पालमपुर तक पहुँचते हैं तो वो ज़रूर यहाँ इस कैफ़े में, न्यूगल कैफ़े, काफ़ी मशहूर, काफ़ी फेमस, ये आपको यहाँ पर ना, ये टूरिस्ट प्लेस आप इसे कह सकते हो। कैफ़े है, काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी हिमाचल टूरिज्म के अंडरटेक है दोस्तों। ये भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। मैं आपको थोड़ा सा ना अंदर का व्यू दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा आउट व्यू आपको दिखा देता हूँ, चारों तरफ से दिखाएं। इसका आउट व्यू आप देख सकते हो दोस्तों। ये है पालमपुर बस स्टैंड से आपको ना 3 से 3.5 किलोमीटर आना होता है। बंदला नामक ये स्थान है दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है न्यूगल कैफ़े। तो ये चारों तरफ से आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो दोस्तों। काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर यहाँ का व्यू आपको देखने को मिल जाता है। और पार्किंग फैसिलिटी भी है दोस्तों, जो मेन गेट पे ही आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो दोस्तों, मैं अंदर का व्यू दिखाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आउट व्यू दिखाता हूँ। इस तरफ आए, तो फ्रेंड्स, जैसा ही मैं मेन गेट से अंदर की तरफ आता हूं तो यहां पे सामने की तरफ मुझे मिलता है, यहां पे है न्यूगल कैफ़े का रेस्टोरेंट, जो कि यहां काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ना जाने क्या क्या ऑर्डर किसी ने दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी खुशबू मुझे यहां तक पहुंच रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बने रहे वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ, अंत तक मेरे साथ। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको चल के अंदर का व्यू दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने खोल दिया है मेन दरवाज़ा इनका, अंदर की तरफ आए। और फ्रेंड्स, ये आपको देखने को मिलता है सेटअप इनका, ये है सेटअप, आप इसे रेस्टोरेंट भी कह सकते हो दोस्तों। काफ़ी अच्छा, काफ़ी लग्जरी। और दोस्तों, मैं इतना कह देता हूँ, काफ़ी दूर दराज देशों से, प्रांतों से यहाँ पे फॉरनर्स हों चाहे यहाँ पे आते हैं इस न्यूगल कैफ़े में। काफ़ी अच्छा प्लेस है, काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस। और इसी के साथ में आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, कैप्टन सौरभ कालिया जी का स्मारक है यहाँ पे बनाया गया है, उसके नाम पे यहाँ पे बनाया गया है सौरभ वन विहार, जहाँ पे भी ना जाने कहाँ कहाँ से विजिटर्स, टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ से आपको 1 किलोमीटर और आगे की तरफ चलना होता है, आप पहुँच जाते हो सौरभ वन विहार। और इसी के साथ में थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलते हो दोस्तों, तो आपको मिलता है यहाँ पे प्राचीन विंध्यावासिनी माता जी का मंदिर। तो थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं इनका, मैं आपको दिखा देता हूँ रेस्टोरेंट, जो किचन है न्यूगल कैफे का, वो मैं थोड़ा आपको रूबरू करा देता हूँ। तो ये तो ये है न्यूगल कैफे का किचन, ये आप देख सकते हो दोस्तों। काफी अच्छी खुशबू मुझे भी आती हुई। और ये सर, थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे सर पहले। तो सर, मेरा नाम लक्की कुमार है। जी लक्की जी, और थोड़ा सा सर न्यूगल कैफे के बारे में बताएं, ताकि और टूरिस्ट हैं वो यहाँ तक पहुँच पाए आपके माध्यम से। थोड़ा सा ऐसा बताएं कि न्यूगल कैफे में क्या है ऐसा कि यहाँ टूरिस्ट आते हैं, और भी वीडियो देखने वाले हैं, जो चैनल को चाहने वाले हैं वो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा बताएं सर। सर, यहाँ पे थोड़ा जोर से बोलो सर। जो है हमारा इस तरह, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक वादियाँ है जी, और यहाँ पे कुल के घर पानी वगैरह है जी, इसको देखने झूले वगैरह है जी, और बैठने उठने के लिए अच्छा स्थान है जी। तो इसके माध्यम से काफी टूरिस्ट आते हैं, काफी टूरिस्ट यहाँ पे आता है। तो जैसा कि आपने ये सर जी को सुना है, ये स्टाफ हैं न्यूगल कैफे के, ये भी स्टाफ हैं। तो इनका कहना था कि यहाँ पे ना, जो इसकी लुक है ना दोस्तों न्यूगल कैफे की, और जो इसका आउट व्यू है ना, उसको देखते हुए ना हर कोई टूरिस्ट, हर कोई विजिटर ना अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाने से नहीं रुकता है, वो अपनी गाड़ी की ब्रेक लगा के यहाँ तक जरूर पहुँचता है दोस्तों। ऐसा है ये न्यूगल कैफे, जो कि पालमपुर तहसील में पड़ता है, पालमपुर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलता है न्यूगल कैफे। काफ़ी अच्छा, काफ़ी विशाल है। और मैं थोड़ा सा आउट व्यू भी आपको दिखाना चाहूँगा सर, थोड़ा सा हमें किचन के बारे में थोड़ा सा दिखाएं, थोड़ा सा अंदर की तरफ आएँ। तो दोस्तों, ये है न्यूगल कैफे का किचन, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो यहाँ बनता है खाना, जो कि जो भी गेस्ट ऑर्डर करते हैं उनके लिए प्रेपरेशन जो है फूड की, खाने की, चाहे वो वेज है नॉन, सर नॉन वेज वगैरह भी मिल जाता है यहाँ। तो यहाँ पे वेज, नॉन वेज और जो चाइनीज फूड है वो भी अवेलेबल है दोस्तों। हर तरह से आपको यहाँ पे खाना मिल जाता है, जो कुछ आप ऑर्डर करते हो वो मिल जाता है। तो थोड़ा नजदीक से दिखाएं, इस तरफ दिखाएं। तो ये है फ्रेंड्स किचन, न्यूगल कैफे पालमपुर, आप सामने की तरफ देख सकते हो। ये कुक साहब हमारे लगे हुए हैं अभी कुछ खाना बनाने, किसी का ऑर्डर लग रहा होगा, उनका खाना बन रहा होगा दोस्तों, देख सकते हो चारों तरफ से। काफी बड़ा ये किचन मुझे यहाँ देखने को मिला, थोड़ा नजदीक से दिखाएं, ये देख सकते हो आप, ये अभी किसी का ऑर्डर लगा रहे हैं दोस्तों, उसकी प्रेपरेशन ये
कुक के साथ ये शेफ साहब हमारे लगे हुए हैं, इनके द्वारा यहाँ पे करी जा रही है दोस्तों। और ये है स्टाफ, यहाँ नेवल कैफे का ये स्टाफ है। तो सर थोड़ा सा परिचय आप भी हमारे दर्शकों को, नहीं सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको मैंने अभी ये किचन दिखाया, न्यूगल कैफे का किचन आपने देखा, जो कि स्टाफ था वो अभी ऑर्डर चल रहा था किसी का, वो शेफ जो थे अंदर वो खाना बना रहे थे, किसी का ऑर्डर लगा रहे थे। और ये है दोस्तों, जैसे ही आप अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाते हो ना मेन गेट पे, जब अंदर आते हो सामने की तरफ आपको देखने को मिलता है रिसेप्शन, न्यूगल कैफे का यहाँ पे रिसेप्शन है। तो थोड़ा सा मैं सर से जानने की कोशिश करता हूँ यहाँ के प्राइजेस के, या यहाँ स्टे भी होता है, या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे टूरिस्ट को, गेस्ट को प्रोवाइड कराई जाती हैं यहाँ न्यूगल कैफे के स्टाफ द्वारा, थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों बार बार कहता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, और तो तभी मेरे द्वारा बताया गया हर एक कंटेंट दोस्तों आपको समझ में आने वाला है। और ऐसे ऐसे कंटेंट जो है ना दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से ही आप तक पहुँच पाते हैं। तो सर से जानने की कोशिश करता हूँ। सर मेरा नाम पंकज है। संजीत जी आपका हमारे चैनल व्यास क्रिएशंस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। सर थोड़ा सा बताइए न्यूगल कैफे के बारे में हमारे दर्शक, ताकि ये वीडियो देखें उन तक ये वीडियो पहुँचता है तो आप तक ईजिली पहुँच पाए, थोड़ा सा परिचय आप हमारे ऑडियंस को दें प्लीज। न्यूगल कैफे, इट इज द बेस्ट डेस्टिनेशन इन द एशिया, आई थिंक इन द वर्ल्ड, इन द एशिया, या ओके। और ये न्यूगल कैफे इसलिए ज्यादा मशहूर है, यहाँ खाना बहुत अच्छा, खाना बहुत अच्छा है, अच्छी लोग दूर दूर से आते हैं, और क्लाइमेट के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, बाकी यहाँ चार कमरे हैं हमारे, चार कमरे मतलब जो स्टे करना चाहता है स्टे भी कर सकता है जी। बाकी बियर बार है जी, और चिली चिकन यहाँ का फेमस। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने ये सर को सुना, यहाँ पे इनका कहना था कि यहाँ पे ना चार रूम की फैसिलिटी भी है। तो प्राइस के बारे में भी मैं थोड़ा सा जानूंगा, सर थोड़ा सा प्राइस के बारे में बताएंगे कि जो लोग यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो पर रूम क्या प्राइस रहता है? पर रूम 2000 है, आजकल 2400। तो दोस्तों इस तरफ देख सकते हो, जैसा सर ने हमें बताया कि जो भी रूम लेना चाहता है, जो रात को यहाँ स्टे करना चाहता है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप कि DVR डिलक्स रूम है, ये आपको 2400 रुपए में मिलता है, लेकिन 20% ऑफ है दोस्तों। तो ये भी तकरीबन आपको 1700-1800 के करीब आसपास ये जो रूम है ना ये भी मिल जाते हैं यहाँ पे, ये चारों तरफ देख सकते हो। और जो सर का कहना है, और सर थोड़ी सी बात बताएंगे कि ये जो प्राइसेस हैं ये इंक्लूडिंग GST रहते हैं आपके डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स ये जो भी प्राइजेज आपको ना इनके द्वारा दिए जाते हैं ये इंक्लूडिंग GST होती हैं, और आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद के ही प्राइस ये आपको मुहैया कराए जाते हैं न्यूगल कैफे पालमपुर के द्वारा। और इनका ऐसा कहना था कि इनका जो चिली चिकन है ना दोस्तों वो कहीं नहीं मिलने वाला आपको, वो इस न्यूगल कैफे की जान है, जिसके चलते ना जिसे भी मालूम होता है वही टूरिस्ट, वही गेस्ट, वही विजिटर यहाँ तक पहुंच पाता है, पहुंचता है दोस्तों, ऐसा इनका कहना है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, अभी मैं आपको दिखाता हूं इनका जो बियर बार है। सर थोड़ा सा बियर बार हमारा ये कहाँ पे नहीं ये देखिए, ये आप देख सकते हो दोस्तों इनका बियर बार भी है। अच्छा मतलब हार्ड ड्रिंक नहीं आप यहाँ पे अलाउ करते, ओनली बियर बार। तो फ्रेंड्स अच्छा, तो दोस्तों आपने अभी ये सुना सर को, सर का ऐसा कहना था कि यहाँ पे ना बियर फैसिलिटी ही है, बियर बार है, आप हार्ड ड्रिंक यहाँ पे वाइन वगैरह लेना चाहते हो या उसके शौकीन हो तो वो यहाँ पे नहीं कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करा जा सकती। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इनका फ्रीज़र, तो यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में ये बियर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो इनका बियर बार है, यही बार है सर आपका बियर बार, ये रेस्टोरेंट है, ये बाहर भी आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स जैसा ही ना मेन गेट से मैं रिसेप्शन से थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ, तो आपको ना ये देखिए सामने लॉन मिल जाता है, काफ़ी खुला और काफ़ी ग्रीनरी यहाँ आपको देखने को मिलती है, और काफ़ी अच्छा व्यू इस तरफ दिखाएं थोड़ा सा। ये भी आपकी का सर? ये लक्ष्य CISR है जी, CISR। अच्छा ये CISR वालों का है। अच्छा तो ये देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, जो भी है सामने देख सकते हो, चील के पेड़, देवदार के पेड़ भी आपको यहाँ पे इस लॉन के चारों तरफ देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस कैफे की और भी खूबसूरती को बढ़ाते हैं दोस्तों, ऐसा मुझे ही देखने को लग रहा है। तो दोस्तों ये आप तस्वीरों के माध्यम से चारों तरफ से दिखाएं, चारों तरफ से दिखाएं। फ्रेंड्स ये चारों तरफ से आप ये व्यू देख सकते हो, और यहाँ पे ना ये कुछ टूरिस्ट हैं, ये विजिटर्स हैं यहाँ पे देख सकते हो, धूप का आनंद लेते हुए, काफी बड़ा ये लॉन है। और इस तरफ भी इस तरफ दिखाएं,
देखिए दोस्तों कितना सुंदर व्यू आपको यहाँ देखने को मिलता है, और बियर बार की फैसिलिटी जो है न्यूगल कैफे में प्रोवाइड करी जाती है। हार्ड ड्रिंक वाइन वगैरह यहाँ पे यूजेबल नहीं है, यहाँ पे उसका यूज़ जो है वो प्रोहिबिटेड है, उसका यूज़ नहीं किया जाता यहाँ और ना ही करने दिया जाता है। दोस्तों ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हो, और इस तरफ दिखाएं, थोड़ा सा नज़दीक दिखाया करें आप, और इस तरफ देखें दोस्तों, ये है पानी, काफ़ी अच्छी इन्होंने लोकेशन बनाई हुई है, थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी लोकेशन है दोस्तों, कहीं नहीं मिलने वाली, ऐसा इनका कहना था कि वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए ना, ऐसे खुला वातावरण, ऐसा खुला इन्वायरमेंट आपको कहीं नहीं दिखने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला। चारों तरफ से देख सकते हो पहाड़ियाँ, वादियाँ, धौलाधार की ये वादियाँ आपको देखने को मिलती हैं, काफ़ी पीसफुल ये प्लेस है, और ये भी हिमाचल टूरिज़म के अंडरटेकिंग है न्यूगल कैफे। दोस्तों ये आप चारों तरफ से देख सकते हो कितना अल्टीमेट यहाँ का ये व्यू है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये आपने अभी देखा कितना सुंदर ये अल्टीमेट व्यू है आपको यहाँ न्यूगल कैफे में देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ये चारों तरफ से मैंने आपको व्यू दिखा दिया, सामने देखिए कितने अच्छे अच्छे घर, होटल्स, बार्स भी आपको इसके अगल बगल देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अल्टीमेट व्यू है दोस्तों। चारों तरफ से दिखाएं थोड़ा सा, ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों अभी तक देखा आपने, ये था मैंने एक्सप्लोर किया आज न्यूगल कैफ़े को, और मैं पालमपुर के जो भी अच्छे से अच्छे ना हिल स्टेशंस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको मैं एक्सप्लोर करूंगा, मैं दोस्तों आपके सामने रखना ज़रूर चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक सुरक्षित रहें फ्रेंड्स।